नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइन भारत और मैं हूं इस वक्त आपके साथ राकेश कुमार। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आइए डालते हैं इस खबर पर एक नज़र। खबर आपका आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर आजमगढ़ में एक बड़ा हादसा हुआ है। जो गौरी शंकर घाट के पास नाव पलट गई, नाव पलटने से 6 लोग डूब गए थे, जिसमें 5 लोगों को बचा लिया गया है और 1 लोगों का कोई पता ही नहीं चल रहा है। पुलिस प्रशासन ने गोताखोर लगा दिया है, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। डूबने वाला युवक 14 वर्ष का है, जो कि मुकेरीगंज का निवासी है। कोतवाली क्षेत्र गौरी शंकर घाट की घटना आई है। आपको एक बड़ी खबर से अवगत कराना चाहते हैं। आजमगढ़ में एक बड़ा हादसा हुआ है, जो कि गौरी शंकर घाट के पास नाव पलटी है। नाव पलटने से 6 लोग डूब गए थे, जिसमें 5 लोगों को बचा लिया गया है और 1 लोगों का कोई पता नहीं चल रहा है। पुलिस प्रशासन ने गोताखोर को लगा दिया है, अभी तक युवक का पता नहीं चल पाया। डूबने वाला युवक लगभग 14 वर्ष का है, जो कि मुकेरीगंज का निवासी है। यह घटना कोतवाली क्षेत्र गौरी शंकर घाट की घटना है। इसका क्या मामला? देखिए, आज सुबह दलाल घाट और गौरी शंकर घाट के बीच में एक बोट पलट गई, जिसमें 12 लोग पानी में गिर गई, सभी लोग बाहर आ गए। तो एक लड़का अभी तक नहीं मिल रहा था, पुलिस बहुत कोशिश किया, अभी तक मिला नहीं। हमको लग रहा है लड़का स्विमिंग करके बाहर आ गए। हम और पूरे प्रयास कर रहा हूँ पता करने के लिए। ऐसी ही तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।